हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सबके? तो आज मैंने सोचा यार, आप सबका वेलकम आज ऐसे ही की वीडियो करते में हैं। डिस्कस करने वाले हैं आइल्स प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे आप अपनी आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद इन अ वीक। जैसे मैंने जब अपना आइल्स दिया था, तो मेरे पास जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी, तो मेरे पास 6 डेज बचे थे अपनी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए और पेपर एग्जाम देने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे मैंने अपने टाइम को डिवाइड करा था और अपने आइल्स की प्रिपरेशन करी थी हर एक टॉपिक वाइज। क्योंकि यार, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मैंने बहुत सारे गूगल पे जैसे ट्रिक्स होती है, अपने दोस्तों से भी बात करी थी, बहुत सारे जगह से पता करा था कि कैसे मैं इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकता हूँ। और उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे यार आपको एक समरी मिल जाए और आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, आपको ये पता लग जाए हाँ यार आपको अपनी ऐसी प्रिपरेशन करनी है। एंड मैं आपको ये श्योर करता हूँ, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं, तो आपके आइल्स में 7 बैंड्स तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे आपकी 1 वीक की प्रिपरेशन के साथ, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कैसे आपको हर एक मॉड्यूल में प्रिपरेशन करनी है, कैसे उसे टैकल करना है, कैसे उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन करते समय, ठीक है। तो बिना देर करे हम अपनी करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो यार, हमारा आइल्स होता क्या है? आइल्स हमारा होता है, जैसे जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने वाले हैं, आपको फिर उसके बाद अपना वीज़ा भी अप्लाई करना है, तो आपके यूनिवर्सिटी और वीज़ा दोनों के लिए ही आपको आइल्स के रिक्वायरमेंट होगी। और आपका आइल्स में बैंड मिनिमम 6 इन ईच मॉड्यूल होना चाहिए। तो आइल्स हमारा क्या होता है, जब भी हम यूनिवर्सिटी में हमें अप्लाई करना होता है, तो एक ऐसा इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट होता है जो यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है ये देखने के, हाँ यार आप इतने कैपेबल हो। अगर आप उनकी कंट्री में जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है कि किसी से इंटरेक्शन ना कर पाओ, किसी से कम्युनिकेशन ना कर पाओ। इसलिए ही उन्होंने इस एग्जाम को 4 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करा है, जिससे उन्हें पता लगेगा हाँ यार आप इंग्लिश लिसन भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो, टू इंटरेक्ट विद अदर्स लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो नहीं, हाँ ये गारंटी है कि यार आप आके, ऐसा नहीं है कि बस मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है अच्छे से, तो आप इतना ही लैंग्वेज आती है कि आप कम्युनिकेशन आसानी से कर पाए। क्योंकि यार मतलब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पर हर चीज़ इंग्लिश में ही होगी, तो अगर आपको इंग्लिश में ही अच्छा नहीं आता होगा, कैसे आप कोऑप करोगे? इसलिए हमारा आइल्स रिक्वायर्ड होता है। जो इसकी फीस होती है करंटली, वो अराउंड 14,700 है आई बिलीव, तो ये अराउंड 15,000 के आसपास ही है। अभी हर साल इंक्रीज होती रहती है, तो आप करंट चेक कर लेना। अब आइल्स जो होते हैं, वो हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा आइल्स एकेडमिक, एक होता है हमारा आइल्स जनरल। तो जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है, वो आपको देना होता है आइल्स एकेडमिक। वो आपका अपनी यूनिवर्सिटी में भी यूज़ हो जाता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हो, और सेम आपका यूज़ हो जाता है जब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, फॉर एस डी एस और नॉन एस डी एस। अब आपके जो मेथड होते हैं कि किस किस तरीके से आप आइल्स दे सकते हैं, तो ये 2 मेथड अवेलेबल होते हैं अभी करंटली। एक तो जो हमारा होता है, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक होता है पेन पेपर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड में तो आपको जैसे पता ही है यार कि मतलब जो आपको टेस्ट देना होगा वो कंप्यूटर पर होगा, और जो पेन पेपर है उसमें आपको शीट्स में देना होगा। तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस जो इसमें मेजर डिफरेंस आता है वो राइटिंग में आता है। जब आपको राइट करना होगा, तो आपको उसमें कीबोर्ड में टाइप करना होगा सारा। तो अगर आपकी स्पीड सही है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और उसमें आपको ये भी पता होगा कि कितने वर्ड आप लिख चुके हैं अभी तक, क्योंकि उसमें वर्ड काउंट भी आता है, ठीक है। तो मैंने जो दिया था यार, मैंने पेन पेपर बेस दिया था, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल वाइज कि कैसे हर मॉड्यूल में आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी आइल्स के तो लिए। फर्स्ट मॉड्यूल जो हमारा आता है यार, वो है लिसनिंग। लिसनिंग में हमारे 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अब आपको कोई भी मॉड्यूल की तैयारी करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक पूरा सैम्पल पेपर निकाल लो। उसमें आप पूरा सैम्पल पेपर खुद दो एज अ टेस्ट, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग पूरा सॉल्व करो उसे। उसके बाद आप देखो, अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इससे आपको आपका ये पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में। लिसनिंग मॉड्यूल में जो मेरा आया था बैंड, वो आया था 8 बैंड आया था।
तो जब मैं अपने सैंपल देता था यार, मुझे फर्स्ट वाले में भी अराउंड 7.5 आता था, तो मुझे पता लग गया था इसमें इतनी मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो यार इन अ टेस्ट कंडीशन आपको अपना पहला लिसनिंग टेस्ट देना है। सबसे पहले आपने दिया, आपको पता लगा अच्छा आपके इतने बैंड आ गए हैं, तो आपको उसमें एक्चुअल में कितने बैंड आ सकते हैं उसका आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और आपको कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है इस मॉड्यूल में। तो इसकी आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, सबसे पहले तो यार जब भी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करो, आप जब भी पेपर सॉल्व करो अपने घर पे, तो हेडफोन्स का यूज़ करना, कोई भी मतलब मोबाइल के स्पीकर यूज़ मत करना, लैपटॉप का स्पीकर यूज़ मत करना, क्योंकि जब आप टेस्ट कंडीशंस में जाते हो वहाँ पर आपको हेडफोन देते हैं। अगर आपने घर में ईयरफोन यूज़ करे हैं या आप स्पीकर पे यूज़ कर रहे हो और वहाँ पर जाके हेडफोन में कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं यार। आपको लगेगा यार ईयरफोन और हेडफोन में क्या होता, माइनस ही होता, बट यस मैंने चेक करा है इसे भी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब जो हमारे लिसनिंग में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वो आपके MCQ आते हैं, इसमें मैप्स वाले आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो इसमें आप देखना आपको किस में ज़्यादा लग रहा है कि यार आपको थोड़ा टफ लग रहा है वो, ठीक है। जैसे मुझे तो यार मैप वाले में हल्की सी मिस्टेक्स कर देता था मैं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं यार ये फोर्थ वाले सेक्शन में हमारी मिस्टेक होती है क्योंकि वो थोड़ा फास्ट होता है, बट मुझे उसमें यार जब भी मैंने अपना दिया था मेरे ऑलमोस्ट 10 में से 10 ही सही आते थे, ठीक है, बट मेरे मैप वाले में हमेशा 3-4 गलत हो ही जाते थे। और मेरे जब मैंने अपना टेस्ट दिया था वहाँ जाके, जब मेरे उसी सेक्शन में सबसे ज़्यादा गलत हुए थे तो यार उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना आपको किस में ज़्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास एग्ज़ाम के लिए टाइम है तो आप हेडफोन्स लगा के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और जो इंटरनेट पे कन्वर्सेशन होती है वो सुन सकते हैं, जिससे आपके जो ईयर्स को है वो आदत हो जाएगी इंग्लिश कन्वर्सेशन सुनने की, यही आपको बेनिफिट करेगी जब आप एग्ज़ाम लिखोगे। तो यार ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब नेक्स्ट हमारा होता है रीडिंग का, जो मेरा रीडिंग में बैंड आया था वो 7.5 आया था। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो स्किम रीडिंग करना सीखा था यार, एक तो कि जो पैराग्राफ है पूरा, अगर हम उसे, क्योंकि यार हमें पूरा थोड़ा देखना होगा, फिर MCQ भी जो हमारे पास दिए हुए हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी दे रखे हैं वो देखने होंगे, तो मैं क्या करता था पैराग्राफ को स्किम, एक एक वर्ड अच्छे से निपटता था कि क्या क्या लिखा है, थोड़ा पूरा ओवरऑल आइडिया लेता था, पूरा पैराग्राफ मतलब पूरा वो नहीं पढ़ता था, बस थोड़ा स्टार्टिंग का थोड़ा पढ़ा। फिर मैं क्या करता था, पहले MCQ देखता था, उससे मुझे क्या होता था यार, पहले जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था जब मैं पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ता था फिर MCQ देखता था, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाता था यार कि क्या पढ़ा था मैंने पैराग्राफ में। बट उसके बाद मैंने कैसे स्टार्ट करा था, मैं पहले पैराग्राफ की एक दो लाइन हल्का सा देखा, फिर अपने MCQ दो स्टार्टिंग के एक दो देख लिए, उसके बाद दोबारा पैराग्राफ की स्किम रीडिंग करता था, उससे मुझे पता लग जाता था कि कहाँ अच्छे वाला MCQ है, इस 2-3 लाइंस में कहीं पे मिल जाएगा, फिर उसे अच्छे से पढ़ लेता था, इससे मुझे MCQ के जल्दी आंसर मिलने लगे थे। और जो नेक्स्ट होता है हमारा रीडिंग में वो होता है जैसे हमारे कि पैराग्राफ से हमें ये बताना है कि इसका टाइटल क्या है पैराग्राफ का, ओके, कि मैच करना है, तो ये सब आपको एक बार देखना पड़ेगा। टाइटल्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको टाइटल बताना होता है कि इस पैराग्राफ का हम क्या टाइटल दे सकते हैं, इस पैराग्राफ का क्या टाइटल दे सकते हैं, उसके लिए आप क्या करना, पहले सारे टाइटल्स पढ़ लेना, उसके बाद पैराग्राफ पे जाना, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना, फिर पैराग्राफ पढ़ने के बाद टाइटल से मैच करना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें स्किम रीडिंग में क्या होता है यार, आपको पूरा पैराग्राफ का एक एक वर्ड नहीं पढ़ना होता, जनरल ओवरऑल आइडिया रहना होता है, मन मन में जल्दी जल्दी पढ़ना होता है पूरे पैराग्राफ को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप रीडिंग वाले में, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सपोज आप किसी कोई MCQ है आपका या कोई फिल इन द ब्लैंक से टाइटल वाला कोई भी आपका सेक्शन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन तक आपको समझ नहीं आ रहा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत रुकना, उस पर स्टक मत हो जाना यार, उससे आगे बढ़ जाना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने स्टार्ट कर देना। मोस्ट ऑफ 50% केसेस में आपको ये होगा जब आप लास्ट तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, वो जो आपने छोड़े हैं उन या तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो उसे छोड़ देना, इन द एंड जब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उस पर दोबारा जाना अगर आपके पास टाइम बच रहा है, क्योंकि यार अगर आपने उस पर ज़्यादा टाइम दे दिया तो आपके ऐसा होगा जो आपको क्वेश्चंस एंड में जो आप कर सकते हो उस एक क्वेश्चन की वजह से आपके 3-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे जो आपको ज़्यादा महंगे पड़ेंगे,
तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जब आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो इसकी तैयारी से टेस्ट कंडीशंस में ही प्रिपरेशन करना है। टेस्ट कंडीशन से मेरा क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है यार आप गाने सुन रहे हो कुछ और कर रहे हो और अपना सॉल्व कर रहे हो रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अपना टाइमर लगाना, जितना टाइम आपको वहाँ पर मिलेगा टेस्ट में उतने ही आप टाइमर यहाँ पर लगा के पूरा एक पेपर सॉल्व करना। उससे आपको पता रहेगा यार आपको टाइमर पर काम करने की आदत होगी, ठीक है। आपको माइंड को पता रहेगा हाँ मुझे 40 मिनट्स में पूरा ये कंप्लीट करना, 1 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट करना। तो इससे आपको पूरे माइंड को आपका प्रिपरेशन आपका माइंड अडेप्ट हो जाएगा टाइमली मैनर में काम करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्योंकि जब आपके माइंड में स्ट्रेस आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑन टाइमर, वो आपको फास्ट मैनर में हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज अगर आप घर में पूरा टाइम दे रहे हैं कि आपने टाइमर लगाने रखा है 2-3 घंटे में पूरा एक रीडिंग का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट हेल्प यू आउट। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, टाइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टेस्ट कंडीशंस कि आप कमरे में अकेले हो, कोई और ना हो आपका, ठीक है, नहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे, दैट अगेन विल नॉट हेल्प यू एंड डिस्टर्ब। द अदर सेक्शन इज स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो यार स्पीकिंग का आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू योर फैमिली समथिंग लाइक दैट, एंड द सेकंड आपको जिसमें अराउंड 2 मिनट्स तक बोलना होता है, एंड द थर्ड जिसमें आपको अराउंड द सोसाइटी अराउंड द कंट्री ऐसा बोलना होता है, आपको इंडिविजुअल अपने तक नहीं रखना होता, ठीक है। तो ये आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए कि कैसे पूरे आपके सेक्शंस डिवाइड होते हैं, आपको फॉर्मेटिंग क्लियर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ यार आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है स्पीकिंग की। सबसे पहले तो आपको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स ढूंढने हैं ऑनलाइन जाके जो आप कहीं पे भी फिट कर सको। जब आप अपनी स्पीकिंग बोल रहे हो, जब आप अपने आंसर्स दे रहे हो, तो उसमें वो वर्ड्स आप फिट कर सको। सपोज जैसे स्पेस को स्पेशियस बोल सकते हो, राइट, लॉट्स ऑफ को प्लेथोरा बोल सकते हो। तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड आप अपनी एक कॉपी बनाना, उसमें अराउंड 15-20 वर्ड्स लिख लेना जो थोड़े अपर इंग्लिश के होते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके बैंड्स को इम्प्रूव करने के ड्रास्टिकली, राइट। एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यार, अगर आप से एग्जामिनर सपोज बहुत केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ केसेस में क्या होता है, सपोज जैसे जो फर्स्ट सेक्शन है इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस, उसमें शॉर्ट में आंसर देने होते हैं, बट स्टूडेंट्स उनमें भी लॉन्ग आंसर्स देना स्टार्ट कर देते हैं और एग्जामिनर उन्हें रोक दे, जैसे सपोज हम बोल रहे हैं बीच में ही एग्जामिनर रोक देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो यार आप ये मत सोचना आप कुछ गलत बोल रहे थे या कुछ भी है आपके इसके वजह से बैंड कट जाएगा। सपोज उसमें 2-3 लाइन का आंसर देना और आप बट उसे लॉन्ग आंसर दे रहे हो, बोलते ही चले जा रहे हो, तो होता है केसेस में कि एग्जामिनर रोक के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। बट बहुत स्टूडेंट होते हैं सोच लेते हैं मैंने शायद कुछ गलत करा था और उसकी वजह से एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हॉपलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आगे का पूरा यार ख़राब हो जाता है। बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, मैंने भी देखा है यार, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। एंड द नेक्स्ट थिंग यार आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको ये नहीं दिखाना एग्जामिनर के सामने आप डर रहे हो या आपको स्ट्रेस है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह के आंसर देने। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे यार आप, आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल लेना यार, अपना एक टॉपिक लेना, जो क्वेश्चन शीट्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन आप उन्हें निकाल लेना, उसमें देखना और मोबाइल में खुद को रिकॉर्ड करना और आंसर्स देना। जैसे 2 मिनट आपको लगातार बोलना है तो मोबाइल के फ्रंट कैमरे से आप अपने को पूरा रिकॉर्ड करना, तो आपको लगेगा हाँ यार आप किसी के सामने आंसर दे रहे हो। और उसमें जो आपने वर्ड्स लिख रखे हैं अपने पास, जो आपके अपर इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उन्हें भी आप उसमें यूज़ करने का पूरा ट्राई करना। एंड इन द एंड जब आप उसे मतलब पूरा आंसर दे लोगे, आप अपनी वीडियो को दोबारा देखना, आपको पता लगेगा यार आप कहाँ पर स्टक हो रहे थे, आपने कैसे बोला, आप कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे। और इसके अलावा आप मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बस आपको इसमें कॉन्फिडेंट जरूर रहना है और कुछ हाई लेवल के वर्ड्स जरूर यूज़ करने हैं बिना डरे। जो मेरे बैंड आए थे स्पीक में वो आए थे 7, जिसके लिए मैंने अराउंड 1 दिन दिया। लास्ट मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा राइटिंग का। राइटिंग में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है यार,
सबसे पहले तो आपको ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि आपको जो भी मिला है कि क्या क्या डिफरेंट तरीके के आपको राइटिंग में आ सकते हैं वो आप सारे देखना, एंड आपको राइटिंग में कैसे कैसे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना है। राइटिंग में भी आप ऐसे कुछ वर्ड्स निकाल सकते हैं ऑनलाइन जो आपको हेल्प करेंगे। राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है। जैसे आपने सपोज एक पैराग्राफ में लिख रखा है, ओके इन दिस पैराग्राफ वी डिस्कस दिस, एक पैराग्राफ लिखा, अब दूसरे पैराग्राफ में आप उसे बढ़ाने के लिए ये लिख रहे हैं फर्दर मोर, अब आप थर्ड पैराग्राफ में भी उसके पॉजिटिव में जा रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं, तो आप फर्दर मोर दोबारा लिखने की बजाय दूसरे वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे इन एडिशन टू, राइट। तो आपको रिफ्रेन करना है सेम वर्ड यूज करने से अगेन एंड अगेन। आल्सो जो आपका उन्होंने टाइटल दे रखा है जिस पे आपको लिखना है, उस टाइटल में से आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है। जैसे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें स्टूडेंट्स लिखते हैं हम इस पैराग्राफ में डिस्कस करने वाले हैं, और फिर वही लिख देते हैं जो ऊपर लिखा होता है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल वर्डिंग्स चेंज कर देनी है, क्योंकि अगर आपने सेम लाइन लिख दी जो ऊपर लिखी है वो आपका बैंड डायरेक्टली यार बहुत नीचे ला देगी, मतलब अराउंड 5.5 to 6 तक हो जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, जो आपके टाइटल में उसे बिल्कुल भी रिपीट मत करना। आप इसमें अपने कुछ वर्ड्स जरूर देख लेना कि आपको पैराग्राफ की स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, ओके अगर आप अंदर लिख रहे हो तो कैसे आप अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हो। इन द एंड जो आपको कंक्लूजन लिखना हो, जो आप कंक्लूड करते हो उसमें कैसे आप वर्डिंग्स चेंज करते हो। मैंने जो यार हेल्प ली थी वो E2 IELTS के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें से मैंने ये सीखा था यार कि जो हमारे पैराग्राफ्स हैं, एक तो यार किस किस तरीके के आते हैं हमारे राइटिंग में, एंड द अदर थिंग्स कि पैराग्राफ को हमारे डिवाइड कैसे करते हैं। पर्सनली अपनी प्रिपरेशन करते समय मैंने एक भी पूरा लिख के नहीं देखा था, मैंने बस कुछ वर्ड्स देख लिए थे, कुछ वर्ड्स की प्रिपरेशन कर ली थी, कैसे पैराग्राफ्स को बिगिन करना होता है, कैसे फॉर्मेटिंग करनी होती है, किस किस तरीके के लाइक पाई चार्ट के आते हैं, इस तरीके के आते हैं, तो वो सब मैंने देख लिया था और उसने मुझे पूरा हेल्प करते हैं। तो E2 IELTS को आप देख सकते हो, और एक और होता है चैनल IELTS by Liz, वो भी हेल्पफुल था। आप इन दोनों चैनल को रेफर कर सकते हो अपनी IELTS की प्रिपरेशन में फॉर राइटिंग स्पेसिफिकली। तो आपको जो अपना राइटिंग लिखना है वो पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना है, पूरे एक ऐसे समरी नहीं लिख देनी है। वन मोर थिंग यार, आपको वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है, बिकॉज दैट विल बी योर बैंड किलर। आपको वर्ड लिमिट, अब आप पूछोगे यार अब हम वर्ड नहीं गिनने बैठ सकते एक है, तो आपको जो मैंने आइडिया लगाया था वो ये लगाया था यार कि जो मेरे टेस्ट की कॉपी में फर्स्ट लाइन में सपोज मेरे 8 वर्ड्स आए थे, तो मैंने कितनी लाइन में लिखा है उससे मुझे आइडिया मिल गया था एवरेज कि मेरे इतने वर्ड्स हो गए होंगे अभी तक। तो आप भी ऐसे कुछ ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है। तो यही था यार हमारा पूरा राइटिंग के लिए कि कैसे आप लिख सकते हो। अगर मैं अपने को राइटिंग में समराइज करूं कि आपको जो आपको टॉपिक में दिया गया, जो उन्होंने क्वेश्चन दिया उसे बिल्कुल भी रिपीट मत करना, वर्ड्स कुछ अच्छे अच्छे मतलब जो पैराग्राफ के स्टार्टिंग के लिए नए नए यूज़ कर, कुछ न्यू वर्ड्स प्रिपेयर करके रखना। तो यही था यार हमारा पूरा कि कैसे हर मॉड्यूल में आपको प्रिपरेशन करनी है। अब अगर आपको हर एक मॉड्यूल की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर एक वीडियो की डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या ट्रिप्स होती हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं, और कैसे मैंने कौन कौन से वर्ड्स चूज़ करे थे अपनी रीडिंग मतलब अपनी स्पीकिंग को बेटर करने के लिए, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो, और यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो अपनी IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक रहिए सावधान और सतर्क, क्योंकि सावधानी हटी बैंड गिरी।